अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल स्पाइस खाना विद नाज़िया में आपका वेलकम है। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ड्राई फ्रूट्स लड्डू की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और थकान कमजोरी का इलाज है ये लड्डू। ये लड्डू किसी भी उम्र के लोग इस लड्डू को खा सकते। बच्चे के दिमाग को ये तेज करता है और याददाश्त को स्ट्रॉन्ग करता है। इन लड्डुओं को अपने घर में जरूर बना कर रखे, तो देर नहीं करते हैं, चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेना है। कढ़ाई में हमें 2 चम्मच देसी घी को गर्म कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम गोंद को फ्राई करेंगे, तो देसी घी में ही हम गोंद को फ्राई करेंगे। यहाँ पे खाने वाला गोंद मैं 100 ग्राम ली हूँ, ये मार्केट में इजी मिल जाता है। इसे थोड़े थोड़े कर फ्राई करना है। लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, तब गोंद जो है अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। पॉपकॉर्न की तरह आप देख सकते हैं कि वो फूलने लगे हैं। बस इसी तरह हमें सारे गोंद को फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पे। तो बस अब इसे निकाल लेते हैं, ये फ्राई हो गए हैं और सारे गोंद को इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इसी तरह का कोई फ्लैट बर्तन ले लेना है, इसे दबा कर हल्के हाथों से हमें क्रश कर लेना है। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, आसानी से क्रश हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये क्रश हो गए हैं। फिर से 2 चम्मच देसी घी को दे देना है। अब हमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है, तो यहाँ पे मैं बादाम ली 100 ग्राम, इसे छोटे छोटे पीसेस में मैं कट कर ली हूँ, इसे दे रही हूँ। और यहाँ 100 ग्राम काजू भी ली हूँ, इसे भी मैं छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। अब इसे हमें लो फ्लेम पे एकदम अच्छे से फ्राई कर लेना है कि ये जले नहीं। जब हम काजू बादाम को फ्राई करेंगे ना, तो इसमें बहुत बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा। तो धीमी आँच पे इसे लो फ्लेम पे हम फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं काजू बादाम अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हल्के से पिंकिश पे कलर आ गए हैं, कलर इसका चेंज हो गया। तो बस हमें इस पॉइंट पे निकाल लेना है। बचे हुए घी में हमें पम्पकिन सीड को फ्राई कर लेना है। तो पम्पकिन सीड भी मैं यहाँ पे 100 ग्राम ली हूँ, ये कद्दू के बीज हैं, इसे कद्दू के बीज भी कहे जाते हैं। इसी में हमें वाटर मेलन सीड भी दे देना है। तो लो फ्लेम पे इसे भी हम मिक्स करते हुए दोनों फ्राई कर लेंगे। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसे निकाल लेते हैं बाहर। फिर से हमें 1 चम्मच देसी घी देना है। अब हमें तिल को फ्राई कर लेना है। तो तिल भी मैं यहाँ 100 ग्राम ली हूँ, साथ में हमें पॉपी सीड भी 50 ग्राम दे देना है, इसे खसखस भी बोलते हैं। तो दोनों को मिक्स करते हुए लो फ्लेम पे इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, ध्यान रहे कि ये जले नहीं। बस थोड़ा सा फ्राई का हो जाए, इसे बाहर निकाल लेते हैं। 1 चम्मच फिर से हमें देसी घी देना है। 100 ग्राम ड्राई नारियल का पाउडर ली हूँ, इसे भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। ध्यान रहे कि लो फ्लेम पे ही सारे ड्राई फ्रूट्स हमें फ्राई करने हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो ज़रा सा भी फ्लेम हमारे तेज़ होंगे तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो जल जाएंगे, टेस्ट उसका ख़राब हो जाएगा। तो बस अब इसे निकाल लेते हैं, ये फ्राई हो गया है। फिर से मैं यहाँ पे 1 टीस्पून हमें घी देना है। घी मेल्ट हो चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पे सारे गुड़ को दे देना है। पीसेस में इसे मैं कट कर ली हूँ, क्योंकि ये जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे 500 ग्राम गुड़ ली हूँ और 1 से 2 चम्मच इसमें पानी को हमें दे देना है। तो ध्यान रहे फ्लेम हमारे दम लो रहने चाहिए, लो फ्लेम पे हमें गुड़ को अच्छे से मेल्ट करके पका लेना, नहीं तो हमारी जो गुड़ है वो जल जाएगी। गुड़ हमारे अच्छे से मेल्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें झाग बनने लगे हैं। तो थोड़ा सा गुड़ हम और पकाएंगे, कम से कम हमें 2 मिनट गुड़ को पका लेना है। लगातार चलाते हुए हमें गुड़ को 2 मिनट पका लेना है। इधर हमारे गुड़ पक रहे हैं, तो सारे ड्राई फ्रूट्स को चलिए इधर मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़े से इसमें से काजू और बादाम निकाल ली हूँ, और निकाल के इसे मैं ग्राइंडर में क्रश कर ली हूँ।
तो उसे मैं यहाँ पर दे रही हूँ। आप चाहें तो क्रश करके नहीं भी दे सकते हैं, इसी तरह भी दे सकते हैं। और सारे ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून हमें इलायची का पाउडर देना है, इससे लड्डू में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। अभी इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आपस में सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं, गुड़ हमारे अच्छे से पक गए हैं और मेल्ट हो गए हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स जो हम मिक्स किए थे इसी गुड़ में हमें दे देना है। ध्यान रहे कि फ्लेम एकदम लो रहे। अब इसे हमें देकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें जल्दी जल्दी इसे मिक्स कर लेना है। अच्छे से ये मिक्स हो गए हैं, गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दी हूँ। अब लड्डू बनाने के लिए इसे किसी बॉल में या बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले। हाथों में हमें थोड़ा सा घी लगा लेना है और इसे हमें दाब दाब कर लड्डू का शेप दे देना है। जब हम हाथों में ना थोड़ा घी लगा लेते हैं ना, तो लड्डू का शेप देने में बहुत आराम होता है, बहुत जल्दी अच्छे से बन जाते हैं। तो सारे लड्डू हमें इसी तरह बना लेना है। ये लड्डू हमारे सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी हैं, जो हमारे बॉडी को बहुत ही एनर्जी देंगे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होती है और इसे आप रख कर खाएँ, ख़राब नहीं होने वाली है। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो आप हमें ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर से दबाएं। मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करें। नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।